गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आज हम आपका 11th चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट में, जिसका नेम है द वेन स्टैग। बच्चों, वेन मीन्स होता है व्यर्थ यानी कि बेकार, और स्टैग मीन्स होता है बारहसिंगा। ये एक एनिमल है बारहसिंगा यानी कि हिरण। बच्चों, जो हिरण होता है उसके 12 सींग होते हैं, यानी कि एक के अंदर एक जॉइंट रहते हैं, इनकी ब्रांचेस निकली रहती हैं उसके सींगों में, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से उसके सींग होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और सुंदर होते हैं, बारहसिंगा। इसीलिए उसका नाम है बारहसिंगा यानी कि हिरण। हिरण और बारहसिंगा एक ही एनिमल है। तो हम इसमें पढ़ेंगे द वेन स्टैग के बारे में, यानी कि व्यर्थ हिरण। वो हिरण कैसा है? व्यर्थ है। कैसे? देखो, हम पढ़ेंगे इसमें। बच्चों, क्या होता है इस पोएम में, इस लेसन में सॉरी, कि एक हिरण होता है ना, वो कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है हिरण। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है, फॉरेस्ट में घूमता रहता है, उसको प्यास लगती है और वो एक तालाब में जाकर पानी पीने लगता है। तो तालाब में क्या होता है, पानी स्थिर रहता है यानी रुका हुआ रहता है, तो उसे क्या अपनी फ़ोटो दिखाई देती है, अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। तो क्या देखता है कि उसके जो सींग हैं, उसके सींग को इंग्लिश में बोलते हैं एंटलर्स। क्या नाम है? एंटलर्स। तो उसके सींग हैं वो उसे बहुत पसंद आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, वो देख के खुश हो जाता है कि मेरे सींग कितने सुंदर हैं, कि मुझे इन पर गर्व है। लेकिन उसे सींग देखने के बाद क्या दिखाई देता है, अपने पैर दिखाई देते हैं। तो जब वो पैर देखता है अपने, तो उसे क्या दिखाई देता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, वो देखता है कि मेरे पैर इतने पतले हैं और इतने कमज़ोर से हैं, बेकार हैं। तो उसे क्या आता है, अपने पैरों पर शर्म आती है। तो क्या करता है वो, तो मतलब बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे पैर ऐसे बेकार से हैं और सींग मेरे इतने सुंदर हैं। तो तभी क्या होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हंटर आ जाता है, इनकी शिकारी आ जाता है उसका शिकार करने के लिए। तो एकदम से वो हिरण जो है उसको देखकर भागने लगता है ना, और भाग जाता है बहुत दूर से बच के। तो उसके पैरों ने क्या कहा, उसकी हेल्प करी, उसकी जान बचाई, है ना। फिर क्या होता है उसके बाद, फिर दोबारा क्या है, एक शिकारी आता है कुछ दिनों बाद, मतलब है ना, लेकिन वो क्या, उसे देखकर फिर पैर जो अपने पैरों से भागता है, वो जाके झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन झाड़ियों में जाके क्या हुआ, झाड़ियों में छुपने के बाद उसके जो सींग थे, जिस पे उसे इतना घमंड था, इतने सुंदर थे, वो क्या होता है, झाड़ियों में इलझ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, शाखादार होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, कटीले होते हैं। तो क्या होता है, वो उसमें झाड़ियों में इलझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें से, झाड़ी में से निकल नहीं पाता हिरण। और क्या होता है, वो हंटर आके, वो शिकारी आके उसे मार देता है। क्या होता है उसे, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, उसको मार देता है। तो क्या हुआ अब उसको, क्या लास्ट टाइम पे क्या हुआ उसे, ये बहुत, उसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील होती है। किस लिए? कि उसने जो है हमेशा अपने पैरों की बुराई की, कि पैर उसे पसंद नहीं थे, कि पतले हैं और ऐसे हैं, सुंदर नहीं हैं, हैं उन पैरों ने तो उसे बचाया कई बार, कि उसे भाग पाया, वो भाग के आके छुप भी जाता था। लेकिन उस पर, जिस पर उस पर घमंड था अपने सींगों पे, उनने क्या किया, वो उसकी मौत का कारण बने, है ना, झाड़ियों में इलझ के, और वो उसकी अपने सींगों की वजह से मारा गया। तो बच्चों, हमेशा जो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों, आपको कैसा में आया होगा लेसन? तो हम आपका कल से इसका वर्क स्टार्ट करेंगे, आज आप इसको रीडिंग करेंगे इस लेसन की, और बुक वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।